सीतामढ़ी जिले में मॉनसून से पहले रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से शहर की स्थिति नरकीय हो गई है। जगह जगह सड़कों पर जलजमाव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश की वजह से हाईवे जलमग्न है। दो दिन पहले नेशनल हाईवे पर जलजमाव से परेशान लोगों ने सड़क पर खेती करके विरोध जताया। मौसम की मार से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी और चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने 26 जून तक सीतामढ़ी, मधुबनी समेत आसपास के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली और डीएम समेत पूरा प्रशासनिक अमला जलजमाव वाले इलाकों में दौरे पर पहुंचा। डीएम ने कहा कि सीतामढ़ी बाढ़ और जलजमाव वाला क्षेत्र है, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो नालों की सफाई कराएं। सीतामढ़ी जिले में क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या भी लगभग हर वर्ष रहती है और इसके साथ ही जल जमाव का भी खतरा बना रहता है। इसीलिए बाढ़ पूर्व तैयारी एवं जल जमाव की पहले तैयारी के लिए निरीक्षण किया गया है, सभी जगह को देखा गया है एवं सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हमारे नाले हैं सभी को अच्छे तरीके से साफ किया जाए ताकि कहीं भी किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। इसी के साथ ही जहाँ भी जलकुंभी या किसी तरह के अवरोधक है उसका भी समय सीमा में सफाई कर लिया जाए और जो भी गाद या कचरा निकलता है उसको वहाँ से हटा दिया जाए ताकि समय पूर्व ही हमारे यहाँ सभी नाले सभी सफाई हो जाएँ और कहीं बाढ़ या जल जमाव की स्थिति इस एरिया में वैसी नहीं हो। इसीलिए सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है, सभी अफसरों को भी निर्देश दिया गया है कि समय सीमा के अंदर सभी कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर तटबंधों का मुआयना करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने आगे कहा कि दबाव वाले इलाकों की पहचान करके उसकी मरम्मत करने और होमगार्ड जवानों की नियुक्ति भी कर दी गई है। अभी तटबंधों का निरीक्षण कार्य चल रहा है और अंचलाधिकारी, एसडीओ एवं जिलाधिकारी के स्तर से तटबंध का निरीक्षण किया जाता है, पूर्ण कर लिया गया है। सभी जगह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी तटबंध पे सुरक्षात्मक कार्य को पूर्ण कर लिया जाए और 15 जून से ही सभी जगह होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा रहा है ताकि सभी जगह होमगार्ड रहें और समय समय पर उसे देखते रहें और सब तटबंध में कहीं भी किसी भी तरह का यदि प्रेशर पॉइंट पता चलता है तो तुरंत वहां पे जो हम लोगों का पॉइंट है जहां हमने बाढ़ या कटाव निरोधक सारी सामान को रखा है उसे तुरंत ला के इंजीनियर्स वहाँ पे प्लग इन का काम करें ताकि कोई ब्रीच हमारे तटबंध पे नहीं। पिछले साल भारी बारिश और नेपाल के द्वारा छोड़े गए पानी ने जिले में भारी तबाही मचाई थी, इसलिए प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। इसके अलावा पटना में भी भारी बारिश का अनुमान है। 28 जून को राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। अलर्ट पर रहने वाले जिले दरभंगा, सुपौल, सीवान, पूर्णिया और खगड़िया है। यहाँ अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। राज्य में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर और गांधी घाट पर 17 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीतामढ़ी से केशव आनंद, बिहार तक।